हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी स्टॉप। तो मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बैटमैन की सभी मूवीज़ बताई थी, मतलब जितनी अब तक की बैटमैन की मूवीज़ आई उन सभी को मैंने उस वीडियो में बताया था। तो उसमें एक कमेंट आया था कि भाई सुपरमैन के ऊपर बनाओ, तो आज का वीडियो सुपरमैन के ऊपर रहेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर सुपरमैन की कितनी सारी मूवीज़ आ चुकी हैं और अगर आप देखने के प्लान कर रहे हैं तो कहाँ से देखना चाहिए, किस मूवी को स्किप कर देना चाहिए, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हु इज सुपरमैन? सुपरमैन डीसी का बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा सुपर हीरो है। तो अब बात करते हैं इसकी मूवीज़ के बारे में। तो यहाँ पर जो मैं आपको मूवीज़ बताऊँगा उनके एक्टर के वाइज बताऊँगा, मतलब कि जो एक्टर उस मूवी में सुपरमैन का करेक्टर प्ले किए हैं उनके हिसाब से मैंने डिवाइड किए हैं इन सभी मूवीज़ को। तो यहाँ पर जो सबसे पहली मूवी आई थी सुपरमैन की, उसमें जो लीड करेक्टर प्ले किए थे उनका नाम है जॉर्ज रीव्स, और उस मूवी का नाम था सुपरमैन एंड द मोल मैन, और ये आई थी 1951 में। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था सुपरमैन, और उसके बाद जॉर्ज रीव्स की डेथ हो गई थी 1959 में। तो जॉर्ज रीव्स की डेथ होने के बाद सुपरमैन की कोई अगली सीक्वल नहीं आ पाई, और उस वजह से इसकी जो कॉपीराइट थे वो भी इधर से उधर हो गए, और फिर काफ़ी लंबे समय बाद फिर से सुपरमैन की पूरी सीरीज स्टार्ट हुई। और इस वाले सीरीज में क्रिस्टोफर रीव सुपरमैन का करेक्टर प्ले कर रहे थे। तो क्रिस्टोफर रीव की जो पहली सुपरमैन मूवी आई थी वो आई थी 1978 में। तो अब अगर आप सुपरमैन देखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि भाई यहाँ से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ से असली सुपरमैन स्टार्ट हुआ था। चाहे तो आप जॉर्ज रीव्स का सुपरमैन देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ कि आप क्रिस्टोफर रीव से स्टार्ट करिए सुपरमैन को देखना। तो उसके बाद सुपरमैन की जो दूसरी मूवी आई थी वो थी सुपरमैन 2, और ये आई थी 1980 में। फिर उसके बाद आई थी सुपरमैन 3 जो कि आई थी 1983 में, और फिर उसके बाद आई थी सुपरमैन 4 द क्वेस्ट ऑफ पीस, और ये आई थी 1987 में। तो यहाँ तक की एक पूरी सीरीज बनी थी सुपरमैन की जिसमें क्रिस्टोफर रीव सुपरमैन का करेक्टर प्ले किए थे। तो समय गुजरता गया और उसके बाद 2004 में क्रिस्टोफर रीव की भी डेथ हो गई। अब उनके डेथ के बाद फिर एक हमें नया सुपरमैन चाहिए था, एक नया एक्टर जो कि सुपरमैन का करेक्टर प्ले कर सके। तो यहाँ पर सुपरमैन का अब जो करेक्टर प्ले करने वाले थे उनका नाम था ब्रेंडन राउथ, और अब इनकी सुपरमैन जो मूवी आई थी वो आई थी 2006 में जिसका नाम था सुपरमैन रिटर्न्स। तो ये मूवी आने के बाद ब्रेंडन राउथ की कोई भी अगली सुपरमैन मूवी नहीं आई। तो ये वाली सुपरमैन मूवी आने के बाद भी बहुत सारा टाइम बीता, और उसके बाद स्टार्ट हुआ DCEU, मतलब DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स, और यहाँ पर जो सुपरमैन होने वाला था वो सबसे अलग होने वाला था। और इसमें जो सुपरमैन का करेक्टर प्ले कर रहे हैं वो हैं हेनरी केविल, जो कि एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और उनकी सुपरमैन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो हेनरी केविल के जो सुपरमैन का कॉस्ट्यूम था वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था, और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर सुपरमैन पैंट के ऊपर कोई भी अंडरवियर नहीं पहनता है। अब क्या है कि बहुत सारे लोग मजाक उड़ाने लगते हैं सुपरमैन का कि भाई ऊपर से अंडरवियर पहनता है, तो इसमें ऐसा नहीं है और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। तो अब इनकी जो सबसे पहली मूवी आई थी वो थी मैन ऑफ स्टील, और फिर उसके बाद आई बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डाउन ऑफ द जस्टिस, और ये आई थी 2016 में। और फिर उसके बाद आई सुपरमैन की लास्ट मूवी जिसमें सुपरमैन दिखे थे, तो उस मूवी का नाम था जस्टिस लीग, और ये आई थी 2017 में। और इस मूवी के बाद अभी तक कोई भी सुपरमैन की अगली मूवी नहीं आई है, आएगी 2021 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं भैया तब कौन सी मूवी आएगी, कैसी मूवी आएगी। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो आइए एक क्विक रिकैप लेते हैं। तो सबसे पहले आई थी जॉर्ज रीव्स की सुपरमैन, और ये आई थी 1951 में, और उसके बाद आई थी क्रिस्टोफर रीव की सुपरमैन जिसमें 4 मूवीज़ आई थी, और उसके बाद काफ़ी लंबा टाइम बीता, और उसके बाद ब्रेंडन रॉथ की सुपरमैन आई, और ये आई थी 2006 में, और उसके बाद आई हेनरी केविल की सुपरमैन, और ये DCEU का पार्ट था। अब DCEU के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सारा चीज़ बताया है, तो उसको आप ज़रूर देखिए तभी आप DCEU को समझ सकते हैं। तो अभी तक टोटल 9 मूवीज़ आ चुकी हैं सुपरमैन की, और अगर सबसे पहली वाली को इरेज कर दिया जाए तो हमारे पास बचती हैं 8 सुपरमैन की मूवीज़। तो आप देखना स्टार्ट करिए, मज़े लीजिए, और अगर आपने सुपरमैन की ऑलरेडी कोई मूवी देखा है उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं कि वो कौन मूवी थी, कैसी लगी थी, और अगला वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में। मेरे पास अगर टाइम रहा तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो यार इतनी मेहनत करके मैंने इस वीडियो को बनाया, तो प्लीज़ यार एक लाइक तो ठोंक ही दीजिए। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए।